अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, हैदराबादी वेज फ्राई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको चाहिए एक मगज, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी और गरम मसाला, दो प्याज, दो टमाटर, 5-6 हरी मिर्च, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम अच्छे से मगज़ को साफ कर लेंगे, जितने भी रेशे होंगे सबको इसके ऊपर से अलग कर देंगे। देखें, यहाँ पर लगभग हमारा मगज अच्छे से साफ हो चुका है, सब रेशे अलग कर दिए गए हैं। अब हम अपनी सब्जियाँ काट लेंगे। हमने इसके अंदर हरा धनिया भी लिया है। एक पैन के अंदर आधा मग पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर हम उसे थोड़ी देर हिला लेंगे। फिर उसके बाद हम उसके अंदर मगज़ डालेंगे। 3-4 मिनट तक लगभग हम उसको उबालेंगे। लगभग इसे हमें 3-4 मिनट तक उबालना है। फ्लेम को लो पर रखना है। अब हमने मगज़ को अलग कर लिया है। अब हम गरम मसाले को मोटा दरदरा पीस लेंगे। इसके लिए हम सिलका यूज़ कर रहे हैं। एक पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से थोड़ी देर तक पकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। देखिए, लगभग यहाँ पर ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे चलने देंगे। अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे जिससे मसाला जले नहीं। इसे 3-4 मिनट तक चला लेंगे अच्छे से, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम इसके अंदर मगज़ ऐड कर लेंगे। अब चम्मच से उसे बारीक पीस लेंगे और थोड़ी देर तक मसाले में चलाएंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा, इसके अंदर हम अपना गरम मसाला ऐड कर लेंगे और कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे।
इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे 1-2 मिनट तक चलाएंगे। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया अच्छे से डाल लेंगे। हमारी डिश तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल की